वहाँ पे अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जेके एस एस बी स्पेशलाइजेशन नाम से जहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन के वीडियोज मिलेंगे एंड और एक प्लेलिस्ट है जेके एस एस बी जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के वहां करंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स चल रहा है वहां से वो वीडियोज भी आप देख सकते हो एंड आपको एमसीक्यूज की भी एक अलग प्ले लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे स्पेशलाइजेशन के एंड आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है जो हमारा कवर हो गया है उसके एमसी क्यूज आपको मिल जाएंगे ठीक है तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आपको इतना सारा मटेरियल मिल रहा है तो ये गलत बात है डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं करण क्रच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम पे मैं वहां पर भी रिप्लाई करती हूँ एंड आई ऑल्सो ट्राई टू रिप्लाई टू यू इन दी कॉमेंट सेक्शन ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड अगर आपको मेरी वीडियोज का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मिस इज मी कुरत मलिक इंजीनियर रिसर्च कॉलेज इन सोशलॉजी जिस ने क्वालिफाइड इन सोशलजी एंड ऑल्सो अबाउट सिक्स प्लस ईयर ऑफ टीचिंग ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड टॉट एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक स्टडी आई क्यू एंड अन अकेडमी जहां से आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ठीक है तो इसमें हमें बेसिकली क्या पढ़ना है हमें इसके कॉजेज एंड इम्पैक्ट देख सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या होते हैं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है इसमें दो चार चीजें जैसे आपके इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब हुआ एंड क्या रीजन था वो सारे कौन से फेजेस थे कम है ज्यादा नहीं है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने है तो एक्सप्लोजन नाम से आपको क्या लग रहा होगा कोई चीज एक्सप्लोर हो रही है अदरवाइज पॉपुलेशन ग्रोथ या ग्रोथ रेट इंक्रीज होना ओवर पॉपुलेशन ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी ठीक है लेकिन जब हम किसी चीज़ का एक्सप्लोजन बोलते हैं तो दैट मीन्स कोई चीज़ सडनली इंक्रीज हो जाए तो सडन इंक्रीज होना शार्प राइज होना ठीक है वो चीज़ जब पॉपुलेशन के रिलेटेड हो तो उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड वो चीज़ अचानक से कहाँ हो जाती है ड्रामेटिक राइज हो जाता है किसी एक एरिया में अगर इंडिया में कुछ साल में एकदम से सडन राइज हो जाए पॉपुलेशन का जो कि हुआ भी है एक डेकेड में तो उसको हम क्या बोलेंगे फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ठीक है तो आपको डेफिनेशन ऐसे डिफाइन कर सकते हो इट इज डिफाइंड एज सिचुएशन एट एनी इंस्टेंट शार्प राइज इेशन वो शार्प राइज किस वजह से होता है क्योंकि देर इज ए वाइडनिंग गैप गैप बढ़ रही है बिटवीन इंक्रीजिंग नेटेलिटी एंड डिक्रीजिंग मोर्टिलिटी तो मोर्टिलिटी इज नथिंग बट योर डेथ रेट एंड नेटेलिटी इज नथिंग बट योर बर्थ रेट तो अगर आपको बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बीच में कोई शार्प गैप देखने को मिलेगी दैट मीन आपकी बर्थ रेट जो है वो बड़े जोरों से बढ़ रही है लेकिन आपकी डेथ रेट जो है वो उतनी ही कम हो रही है दैट मीन्स इनकी जो गैप है आपस में वो बढ़ेगी ठीक है अगर ऐसा कोई केस आ जाता है ऐसी सिचुएशन में आप आ जाते हो तो आप बोल सकते हो हम किस कंडीशन में आ रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाले में इसीलिए वाइडनिंग गैप हो जाती है बर्थ रेट एंड डेथ रेट की अगर दोनों साथ साथ चलेंगे बर्थ रेट भी बढ़ रहा है लेकिन डेथ रेट भी पैरेलली बढ़ रहा है तो क्या होगा हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में नहीं आएंगे क्योंकि जैसे लोग पैदा हो रहे हैं वैसे ही यहाँ से लोग मर भी रहे हैं ठीक है अगर हम ले टर्म्स में इसको बोले लेकिन अगर लोग पैदा होए जा रहे हैं होए जा रहे हैं और आपका जो डेथ रेट है वो उतना कम हो रहा है इन दोनों की गैप बढ़ती जा रही है दैट मीन्स हम किस स्टेज में आने वाले हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली स्टेज में द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया ओवर द लास्ट वन सेंचुरी की हम अगर बात करें तो इंडिया में किस चीज की वजह से यूजली हुआ है ये बर्थ रेट में चेंज आने की वजह से डेथ रेट में चेंज आने की वजह से एंड रेट ऑफ माइग्रेशन में ये तीनों चीजें हम आगे देखेंगे आपके आगे समझ में आ जाएंगी ठीक है तो इसमें हम ये चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं इंडिया जो कुछ फेजेज से गुजरी है वो क्या फेजेस रहे हैं ठीक है और किस फेज में हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला था तो फेज वन हम लेते हैं पीरियड 1901 टू 1921 ठीक है इस वाले पीरियड को हम बोलते हैं स्टेगनेंट या स्टेशनरी फेज ठीक है स्टेगनेंट और स्टेशनरी क्यों बोलेंगे स्टेग्नेट दैट मींस आपकी जो ग्रोथ है वो काफी कम है ठीक अब आप सोचो ये जो सारे फेजेस है ना ये आपके बर्थ रेट एंड डेथ रेट से रिलेटेड है कि बर्थ रेट रेट डेथ पे क्या असर हुआ था जो आपका फेज है उसमें क्या हो सकता है आपका जो बर्थ रेट है वो हाई है दैट मीन लोग पैदा होए जा रहे हैं लेकिन यहाँ से डेथ रेट भी हाई है तो जितने जितने पैदा हो रहे हैं साथ में उतने लोग मर भी रहे हैं तो आप कोई ग्रोथ नहीं देखोगे देखोगे भी तो बहुत कम देखोगे या इवन नेगेटिव ग्रोथ रेट भी देखोगे ठीक है तो अगर एग्जामिनर आपको इसका थोड़ा डीप पूछना चाहे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड तो वो आपको ये भी पूछ सकता है क्या इंडिया में हमने कभी नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा है तो आपको लगेगा इंडिया तो इतनी वर्ल्ड की पॉपुलेटेड कंट्री है इसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट कहाँ से होगा तो वो आपको नहीं लगना चाहिए अगर आप मेरे जो हो एक रेगुलर व्यूअर हो मेरे चैनल के ठीक है तो क्या होता है यहाँ पे आपको नेगेटिव ग्रोथ रेट भी देखने को मिलती है एंड ग्रोथ रेट जो होती है काफी कम होती है ये कौन सा फेज फेज था आपका टू टू फिर हम फेस में आए 1921 1951. अब इसमें क्या हुआ पॉपुलेशन जो है मतलब आता आहिस्ता स्टेडीली वो इंक्रीज होने लगी दैट मीन्स आपकी बर्थ रेट तो चलो अभी इंक्रीज ही हो रही है अब हमने कंट्रोल किया आपकी डेथ रेट अब डेथ रेट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको थोड़ा बेटर करके ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ पहले क्या होता था जब आपका हेल्थ केयर इंप्रूव नहीं था लोग एक सिंपल फ्लू की वजह से भी मर सकते थे क्योंकि हेल्थ केयर था ही नहीं आपको पता ही नहीं था कि क्या करना है बॉडी में कोई रेजिस्टेंस भी डेवलप नहीं हुई थी पहली पहली बार कोई बीमारी हो गई अन्य लोग मरते गए ठीक है सैनिटेशन का भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था साफ सफाई वो भी चीज़ें नहीं थी तो इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया और थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हेल्थ में आई जिसकी वजह से डेथ रेट कम हो गई तो नाइनटीन टू फिफ्टी चला हमारा एक स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ अब हम फेज थर्ड में आए जो है आपका 1951 तो 1981 टू यही वो फेज है जिसको हम बोलते हैं फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया यही बताने के लिए आपको मैंने सारे फेजेस एक्सप्लेन किए क्योंकि हो सकता है ना कि आपको पूछे एक्सप्लोजन अब जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है इंडिया में वो किस फेज में हुआ तो वो हुआ आपका नाइनटीन टू नाइनटीन ठीक है तो जो ये वाला फेज है इसमें आपकी ग्रोथ रेट थी ऑलमोस्ट एज हाई एज टू पॉइंट टू परसेंट जो कि बहुत ज्यादा है तो इसमें क्या हुआ था बर्थ रेट आपकी इंक्रीज हो रही थी यहां से पैदावार आपकी बढ़ रही है लेकिन आपका हेल्थ केयर इतना ज्यादा इंप्रूव हो रहा था कि डेथ रेट काफी कम हो गई ठीक है अब क्या हो रहा है बर्थ रेट बढ़ती जा रही है पैदा हो जा रहे हो लेकिन मर कम लोग रहे हैं लोगों की एज इंक्रीज हो रही है दैट मीन लॉन्जिटिविटी एज में बढ़ रही है ठीक है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हो रही है मेटरनल मोर्टिलिटी रेट वो कम होना शुरू हो गई जब अः किसी की डिलीवरी होती है तो पहले क्या होता था जैसे दाएं वगैरह आती थी डिलीवरी करने के लिए मिडवाइफ फिर उसको क्या किया गया इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया डिलीवरी सिस्टम को ये सारी चीजें हेल्थ केयर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाई वैक्सीन लेके आए तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी कम हो गई तो इन चीजों की वजह से क्या हो गया डेथ रेट काफी कम हो गई लेकिन यहाँ से बर्थ रेट में अभी इम्प्रूवमेंट नहीं आई वो बढ़ी रही है तो यही वो स्टेज है जब हम आए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में एंड तब जो ग्रोथ रेट थी हमारी एज हाई एज टू पॉइंट टू परसेंट तो यहाँ पे लिखा है वही डेवलपमेंट एक्टिविटीज का काम हो रहा था सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस थी मतलब सेंट्रल स्कीम्स काफी आई थी आपको अपलिफ्ट करने के लिए ठीक है इंप्रूवमेंट ऑफ द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल हो रहा था इस वजह से क्या हुआ एक हाई एंड नेचुरल इंक्रीज थी एंड हायर ग्रोथ रेट थी वो कैसे हो गई क्योंकि डेथ रेट आपकी कम हो रही थी Besides, ये वो टाइम था जब माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा हो रही थी तो इमिग्रेशन भी जो है वो भी एक कॉज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का आपको टिबिटिन बांग्लादेशीज नेपालीज वगैरह एंड इवन फ्रॉम पाकिस्तान वो भी यहाँ पे आए इंडिया में तो उनने भी पॉपुलेशन में एड किया ठीक है तो इमिग्रेशन भी है अब इसमें दो टर्म्स याद रख लेना एक इमिग्रेशन होता है दैट मीन्स आपकी कंट्री में कोई आ रहा है एक इमिग्रेशन होता है ई से तो कहीं ऐसा ना हो ऑप्शन में इमिग्रेशन लिखा हो और आप कंफ्यूज हो जाओ दोनों चीजें लिखी हो इमिग्रेशन होता है गोइंग आउट इसको याद रख सकते हो आई से होता है इमिग्रेशन आई से होता है इन दैट मीन्स आपकी कंट्री में कोई बाहर से आ रहा है ठीक है तो ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपके लिए याद रखने के लिए आई से आप इन याद रख सकते हो तो वापस आते हैं इस स्टेटमेंट पे जो मैंने आपको बोली थी स्टार्टिंग में हम बाद में देखेंगे कि इंडिया में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो मेनली आपकी बर्थ रेट डेथ रेट एंड रेट ऑफ माइग्रेशन की वजह से थी 4, -1981 इसमें क्या हुआ? Growth, बढ़ रही है, लेकिन हमने आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो फीमेल्स को थोड़ा एजुकेट करो उनको एम्पावर करो उनको बाकी चीजों की तरफ भी उनको थोड़ा एम्प्लॉयमेंट वगैरह दे दो ठीक है या सेकेंडली आप उनको एजुकेट कर सकते हो कि क्या टेक्निक्स हैं जिससे वो कंट्रोल कर सकते हैं बर्थ रेट को फाइन वो सारी चीजें जो है उसका इंट्रोडक्शन होने लगा तो और लोग अब क्या करने लगे जब लड़कियों को भी थोड़ी एम्पावरमेंट मिलने लगी एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी तो जब मैरिज की एज है वो भी इंक्रीज हो गई मैरिज की एज इंक्रीज होने से क्या होता है जितनी ज्यादा एज होगी उतनी आपकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है लेटर एजेस में उतना फिर बेबी कंसीव करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं ठीक है साइंटिफिकली तो ये आपका फेज फोर में हुआ इस वजह से ग्रोथ रेट अभी भी हो रही थी लेकिन थोड़ी अब कंट्रोल्ड हो गई हम उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हुआ था उससे हम बाहर आ गए तो ये कुछ डेटा याद कर लेना वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ये नवंबर मिड 2022 में 8.0 बिलियन तक हो गई थी जो 1950 में 2.5 बिलियन तक ही थी सिर्फ दैट मीन्स सिंस 2010 एक बिलियन पीपल लोग ऐड हुआ है दुनिया में एंड सिंस 1998 नाइनटी टू बिलियन लोग जो है वो ऐड हुए हैं अगर आप सिर्फ इतना ही याद रखोगे 2022 तक कितना था आपका 8.0 बिलियन एंड नाइनटीन फिफ्टी में कितना था 2.5 और इंडिया का देख लो 1960 से 2023 तक कितना इंक्रीज हुआ है 450.55 मिलियन टू 1.43 पॉइंट फोर थ्री बिलियन काजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कुछ जनरल कॉजेज हैं इसमें लेकिन जहां से एमसीक्यू आने के चांसेस थे वो मुझे ये वाला पॉइंट लगा इस वजह से मैंने वो इंक्लूड किया है एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इसका डेमोग्राफिक ट्रांजेशन हम आपको इस नाम से नहीं डरना ये वही चीज है जो हम अभी तक पढ़ रहे थे बस वो एक स्टेज के थ्रू एक्सप्लेन करी है क्योंकि वो किसी एक इंसान ने वो दिया है आपको वो मॉडल इसीलिए आपको थोड़ा वहां से जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं ये मॉडल हमें दिया था वॉरन थॉम्सन ने इनके मॉडल को बोला जाता है फोर स्टेज मॉडल है तो इन्होंने क्या कहा स्टेज फर्स्ट में क्या होता है बर्थ रेट हाई डेथ रेट हाई जैसे हमने अभी इंडिया के केस में देखा सेकेंड स्टेज में होता है बर्थ रेट हाई एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है एंड थर्ड स्टेज में क्या होता है बर्थ रेट भी थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है एंड जो डेथ रेट है वो अब डिक्लाइन होके लो डेथ रेट बन जाती है ठीक है स्टेज फोर में क्या होता है बर्थ रेट आपकी लो हो गई है फाइनली क्योंकि थर्ड में अभी डिक्लाइनिंग के प्रोसेस में थी डिक्लाइनिंग के प्रोसेस में थी डैट मीन्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी एंड फोर्थ स्टेज में जब हम पहुंचे तो ये कम हो गई थी एंड डेथ रेट जो है आपकी जो डिक्लाइनिंग का प्रोसेस स्टेज टू में स्टार्ट हुआ था वो आपको फाइनली स्टेज थ्री और स्टेज फोर में देखने को मिला ये कम हो गया था तो लो डेथ रेट तो ये जो मॉडल है ये देख लेना हाई डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट का क्या है कब कहाँ किस स्टेज में क्या होता था एंड इंपॉर्टेंट क्या है इस मॉडल के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो सेकेंड स्टेज में हुआ क्योंकि सेकेंड स्टेज में हमें वही इंडिया का फेज थ्री देखने को मिला कि आपकी बर्थ रेट अभी हाई है और डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो रही है फिर थर्ड स्टेज में क्यों नहीं है क्योंकि थर्ड स्टेज में आपकी बर्थ रेट भी डिक्लाइन होने लगी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की इंपॉर्टेंट कंडीशन पहली क्या है कि आपकी बर्थ रेट हाई होनी चाहिए ठीक है तो ये डायरेक्टली आपके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड है एंड इस मॉडल में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टर्म भी यूज किया गया है यानी किसी एक इंसान ने दी थी तो ये आपके लिए देखना जरूरी बन जाता है बाकी रीजन क्या है बर्थ रेट हाई है ये आपको पता है मैंने बताया पॉवर्टी इलिटरेसी लैक ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइसेज मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज इमिग्रेशन ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड ही हैं और आई डोंट थिंक इनको उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है मैंने आपको बताया पॉवर्टी है तो लोगों को पॉवर्टी में क्या लगता है कि हमें कैसे इंप्रूव हो सकते हैं इकोनॉमिकली अगर ज़्यादा बच्चे हमारे होंगे तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल हैंड बन सकते हैं हमें हेल्प हो सकती है पैसे कमाने में क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं ठीक है जैसे पुरानी एग्रेडियन सोसाइटीज में क्या होता था फैमिली जो थी आपकी वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन भी थी एंड कंजम्पशन भी थी वो वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझ सकते हो इस वजह से क्या करते थे यूजुअली लोग पॉवर्टी की वजह से फैमिली को यूनिट ऑफ प्रोडक्शन भी समझते थे और अपनी प्रोडक्शन भी इंक्रीज करते रहते थे इलिटरेसी थी इसी वजह से यही पॉवर्टी है तो इलिटरेसी होगी सारी चीजें साथ साथ चलेंगी एंड इलिट्रेसी है तो लोग इतना सोचेंगे नहीं कि क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा इतने ज़्यादा दस साल बाद हमारी फैमिली के लिए क्या होगा अगर इतने बच्चे हो गए क्या हम सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं ये सारी चीज़ें वो नहीं सोचते थे लैक ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइसेज ठीक है जब ये आने लगे तो ही आपका डिक्लाइन होने लगा बर्थ रेट अदरवाइज काफ़ी हाई था मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज जब तक ये इम्प्रूव नहीं हुए तब तक आपकी क्या थी डेथ रेट हाई थी ये इंप्रूव हो गए तो डेथ रेट डिक्लाइन होने लगी और हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाले फेज में आ गए इमिग्रेशन मैंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी आई से याद रख लेना कमिंग इन अगर इमिग्रेशन लिखा होगा दैट मीनस इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं तो उसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का वो उल्टा हो जाएगा वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना अब इफेक्ट क्या हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए स्पेलिंग गलत लिखी यहां पे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए सिंपल है जितने ज्यादा लोग हैं उतना नेचुरल रिसोर्स यूज करेंगे वाटर फॉर एग्जाम्पल वाटर की कंजम्पशन कितनी बढ़ेगी अगर लोग होंगे उतना फ्यूल यूज हो जाएगा जितने ज्यादा लोग होंगे दुनिया में तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो उतने ही कम होते रहेंगे इवन नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज भी जो है आपके वो भी कम होते रहेंगे जितनी ज्यादा आपकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी एन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगी ठीक है जितने ज्यादा लोग हैं उतनी ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी जितनी आपको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी उतनी आपको इंडस्ट्रीज लानी पड़ेगी और इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हो जाएगी बढ़, पॉपुलेशन बढ़े आपकी पॉल्यूशन बढ़ेगी ठीक है तो ये सारी जो चीजें हैं ना ये रिलेटेड है आपके बाद वाले टॉपिक से दैट इज यू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग तो अगर किसी ने अभी तक ये चीज़ नहीं सोची कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ आपको ये टॉपिक्स क्यों दिए हैं तो वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगी क्योंकि जितना ज्यादा आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी कि हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जाएंगे इस वजह से आपको ये टॉपिक्स जो हैं तीनों एक साथ दिए हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर ऐसा बोला जाता है जो लास्ट वॉर होगी वो वाटर पे होगी और देखो वाटर क्राइसिस कितना है वाटर को लेके कितनी स्टेट्स में प्रॉब्लम होती है कंट्रीज में आपस में वाटर शेयरिंग में प्रॉब्लम होती है ठीक है तो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये भी पॉपुलेशन की वजह से ही, ही होते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उनको उतना ज्यादा पानी चाहिए और हर कंट्री चाहती है कि उसी को ज़्यादा पानी मिले ठीक है पानी आपको रिवर्स से आपको आ रहा है एक रिवर अगर चार कंट्रीज के बीच में जा रहा है जैसे आपका पाकिस्तान और इंडिया के बीच में से जाएगा तो दोनों कंट्रीज उस पर अपना हक समझेंगी ठीक है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से ऐसे काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्स भी होते हैं बोथ विद इन द स्टेट एंड विद इन द कंट्रीज ऑल्सो इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा पॉपुलेशन है तो फिर यही होगा अनएम्प्लॉयमेंट होगी कितनों को आप एम्प्लॉयमेंट दे दोगे इतनी ज्यादा लोग हैं इन दुनिया में हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इसको इकोनमी वाले कॉन्सेप्ट से आप ले लो जो मैंने पढ़ाया जितने ज्यादा लोग हैं उतनी डिमांड होगी जितनी डिमांड होगी उतनी प्रोडक्शन होगी एंड डिमांड के अकॉर्डिंग आपका क्या बढ़ जाता है इन्फ्लेशन तो ये सारा हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट पेंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स बीमारियां फैलेंगी ऑब्वियसली जब ज्यादा लोग होंगे उनको वो ओवरक्राउड हो जाएंगे दुनिया तो इतनी है ना अर्थ को आप एक्सपैंड नहीं कर सकते आपको लैंड उतनी ही मिलेगी जिस लैंड पे पहले आपको दस लोग रहते थे उस लैंड पे अब आपको दस हजार एडजस्ट करने हैं तो बीमारियां फैलेंगी यही एपिडेमिक्स पेंडेमिक्स इन्हीं चीजों की वजह से फैलते हैं क्योंकि और जितने ज्यादा लोग हैं अगर कोविड को लेके कम लोग होते दुनिया में तो कॉन्टैक्ट भी कम एस्टेब्लिश होता ठीक है अब कोविड आया यहाँ से पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो कितनी जल्दी चीजें फैलेंगी तो पेंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स वहां से आ गया शॉर्टेज ऑफ वाटर ये मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज में बताया डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट मैंने कहा अब आपके पास लैंड नहीं है रहने के लिए जितना आपको अर्थ है आप उसको अर्थ को खींच के लंबा तो नहीं कर सकते आप क्या करते हो फॉरेस्ट क्लियर करते हो तो वो लोग किसी के नेचुरल हैबिटेट भी होता है फॉरेस्ट उससे वो प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है एंड सेकेंडली आपके फॉरेस्ट क्लियर करने से आपके एनवायरमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है जो हम आगे ग्लोबल वार्मिंग में देखेंगे ये आपका पॉपुलेशन एक्सक्लोजन जो मुझे लगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो मैंने यहाँ पे वो इंक्लूड किया तो एक कम ही चीजें हैं मैंने आपको समझाई तो ये आप याद कर लेना अब आप नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग आपने आज तक बहुत बार ही सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग से कितना बुरा बुरा असर पड़ रहा है कश्मीर में बर्फ नहीं हो रही है ग्लोबल वार्मिंग है समर्स में इतनी गर्मी सठ साल पहले होती थी सत्तर साल पहले होती थी कश्मीर में जितनी आज गर्मी है तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग है अब अभी ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है पहले आप उसका मैकेनिज्म समझो क्योंकि जब तक मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगी ना तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे लगता है अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो आपको हर चीज का पता होना चाहिए सिर्फ से आप लाइफ में कहीं नहीं पहुंचोगे ठीक है चीजों को बेसिक से समझा करो तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है पहले हम वो देखेंगे फिर इसका एग्जाम रिलेटेड जो है मेन पार्ट आपका क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड होगा जो एग्जाम में आ सकता है क्लाइमेट चेंज बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग का ही एक आप बोल सकते हो इम्पैक्ट है तो क्लाइमेट चेंज में आपको इंटरनेशनल कन्वेंशन के नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो वो हम क्लाइमेट चेंज में देखेंगे पहले मैं आपको बताऊंगी ग्लोबल वार्मिंग जो आप इतने सालों से सुन रहे हो वो होता क्या है बेसिकली देखो ये आपकी अर्थ है ठीक है यहाँ पे आपका सन है ये आप ध्यान से सुनना अगर आज आपको ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया ना फिर आपको दिमाग से कभी भी नहीं निकलेगा ठीक है सन क्या करता है यहाँ सन की रेज पड़ती है अर्थ पे ठीक और यहां पे क्या है आपका अर्थ का एटमोसफेयर जिसमें आपको नेचुरली कुछ गैसेस देखने को मिलेंगे जैसे आपके वाटर वेपर्स हैं, सीओ टू वगैरह है ठीक है ये नेचुरली है जो एक नेचुरल प्रोसेस में चलते हैं अब होता क्या है सन की रेज पड़ती है अर्थ पे एक साइड से आपकी यूवी रेज आती हैं, वो अर्थ तक नहीं पहुंचती क्योंकि उनको कौन ब्लॉक करता है ओजोन लेयर, ये आपने पढ़ा होगा ओजोन लेयर। एक आपकी विजिबल लाइट आती है एक आपकी इंफ्रा रेड आती है ठीक है अब हमें यहाँ क्या देखना है पहले मैं थोड़ा ही क्लियर कर देती हूँ सारा नहीं क्लियर करना है मुझे वेट। अब होता क्या है जब अर्थ की रेस पड़ती है सन पे तो कुछ अमाउंट उसमें क्या करता है अर्थ एब्जॉर्ब करता है सम अमाउंट ऑफ इट अर्थ वो एब्सॉर्ब करता है ठीक क्योंकि अर्थ को एक वार्म रखना जरूरी है ताकि उसपे थ्राइव कर सके लाइफ आपके वाटर, आपके प्लांट्स के लिए एनिमल्स के लिए ंग्स के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट जरूरी है तो अर्थ को खुद को वॉर्म रखना होता है इस वजह से जो ये आती है लाइट आती है रेज आती है सन की अर्थ वो एब्जॉर्ब करती है जितना अर्थ को जरूरत है बाकी वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है स्पेस में वापस ठीक ये एक नेचुरल प्रोसेस है अभी तक इसमें कुछ मैन मेड का आपको नहीं मिलेगा ये नेचुरल प्रोसेस है जो ऐसे चलना चाहिए सन की रेज आएंगी अर्थ को जरूरत है वो एब्जॉर्ब करेंगी क्योंकि अर्थ को सस्टेन करनी है लाइफ उसके लिए उसको एक वार्म चाहिए बिल्कुल ही ठंड में सन रेज के बगैर जो है ना लाइफ होगी इंसानों की ना जानवरों की प्लांट्स क्रॉप्स कुछ भी नहीं चलेंगे ठीक है तो जितना वो जरूरत है अर्थ एब्जॉर्ब करता है बाकी वो रिफ्लेक्ट बैक करता है इससे क्या होता है ओवरऑल जो हीट बजट है हमारा वो मेनटेन रहता है हीट साइकिल मेंटेन रहता है इनकमिंग भी हो रही है रेडिएशन के आउट भी हो रही है वो स्पेस में जा रहे हैं ठीक अब एटमॉस्फेयर में क्या है एटमॉस्फेयर में आपको गैसेस मिलेंगे जैसे मैंने कहा सीओ टू है वाटर वेपर है तो ये क्या करते हैं ये सम अमाउंट ऑफ ये जो आपकी रेज होती है उनको ऑब्जॉर्ब करते हैं ताकि अर्थ को जो है एक अच्छा सा टेम्परेचर वो मेन्टेन करने में हेल्प करे तो वो अच्छा काम कर रहे हैं फिलहाल अभी तक क्योंकि वो नेचुरली प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं गैसेस ताकि अर्थ का एक वर्म्थ मेंटेन रहे अब क्या हो रहा है इंसान क्या कर रहा है इंसान फैक्ट्रीज़ लगा रहा है ठीक फैक्ट्री से क्या रिलीज हो रहा है आपका सीओ टू ठीक है और क्या हो रहा है प्लस वेट में कलर चेंज करती हूँ उसका फैक्ट्री से क्या रिलीज हो रहा है आपका सीओ टू रिलीज हो रहा है और कैसे गैसेज रिलीज हो रहे हैं मीथेन मीथेन आपका एग्रीकल्चर से रिलीज होता है इंडस्ट्री से रिलीज होता है ठीक है एंड आपका कोल माइनिंग वगैरह से रिलीज होता है ऐसे ऐसे गैसेस रिलीज हो रहे हैं एटमोसफेयर में और आपका क्या रिलीज हो रहा है एक और चीज रिलीज हो रही है जिसको हम बोलते हैं क्लोरो वो आपके रेफ्रिजरेटर से रिलीज होते हैं जो रेफ्रिजरेटर खोल के रखते हो काफी टाइम तक ठीक है ऑल दो स्लो होते हैं वो आपको दिखेंगे नहीं वो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं नॉन फ्लेमेबल लेकिन आहिस्ता आिस्तक पहुंच के वो कहा चले जाते हैं एटमोसफेयर में ही जाएंगे वो रिलीज होते हैं रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से डिओड्रेंट स्प्रे से ए से एयर कंडीशनर जो घर में लगे होते हैं क्लोरोफ्लोरोबन तो क्लोरोफ्लोरोबन सीओ मीथेन एंड आपका वाटर वेपर ये सारी चीज़ें अब क्या हो रहा है एटमॉस्फेयर में जो चीज़ नेचुरली प्रेजेंट थी और ये क्या कर रहे थे आपके लिए ये थोड़ा बहुत जो वो है एस्केप करती है हीट उसको भी संभाल के रखता है ताकि अर्थ वार्म रहे अब सोचो यहाँ पे जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी चीजें नॉर्मल क्वांटिटी में प्रेजेंट थी जितना अल्लाह ने बनाया था और जितनी होनी चाहिए थी लेकिन अब क्या हो रहा है हमारी एक्टिविटीज की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फैक्ट्रीज भी बढ़ेंगी क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए अब क्वांटिटी इन सब गैसेस की बढ़ गई है यहाँ पे ठीक है अब यहाँ आपको सीओ टू ज्यादा सबसे ज्यादा कल्पोरेटिस में सीओ टू और मीथेन इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं तो ये इनकी क्वांटिटी यहां पे बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई अब क्या हो गया अर्थ अनयूजअली हीट हो गई अब जो नॉर्मल हीट अर्थ को चाहिए थी लाइफ सस्टेन करने की वो तो नेचुरल प्रोसेस से हो रही थी लेकिन मैनमेड मेड से वैसे गैसेस जिनको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने लगे और अब वो गैस क्या करेंगे जब ये हीट एस्केप करेगी वापस स्पेस में तो ये ज्यादा गैसेस इनको ट्रैप करेंगे अगर पहले आपको यहाँ कार्बन देखने को मिलता यहाँ मिलता यहाँ मिलता ठीक है ये वो क्या करते थे हीट को ट्रैप करते थे लेकिन आप अब हर जगह कार्बन देख रहे हो हर जगह मीथेन देख रहे हो तो सोचो ये कितनी ही कम जो हीट है उसको स्पेस में वापस जाने देंगे मेजोरिटी ऑफ द हीट जो है वो ये कंट्रोल करेंगे उसको ट्रैप करेंगे तो अर्थ के सराउंडिंग्स में एक थिक हॉट ब्लैंकेट बन जाती है और इसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है बहुत हाई रहता है इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं एंड इन चीजों से क्या हो जाता है आपका ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है तो जो आप ग्लोबल वार्मिंग अभी तक सुनते हो ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग वो यही है बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग ठीक है तो आई होप आपको ये हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है अभी तक किसी को समझ में नहीं आया तो मेरी आप क्या कर सकते हो मेरी स्पीड को थोड़ा रिड्यूस कर लो यूट्यूब पे एंड एक दो बार ही सुनो आई होप पर मैंने आपको काफी आराम से समझा आपको समझ में आ गया होगा तो ग्लोबल वार्मिंग जो है लॉन्ग टाइम हीटिंग है ऑफ द अर्थ सरफेस ऑब्जर्व सिंस प्री इंडस्ट्रियल पीरियड प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज उसके बाद जो ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ गई हैं तो हमने फॉसिल फ्यूल ज्यादा बर्न किए ठीक है फैक्ट्री ज्यादा हमने लगाई ये सारे काम ज्यादा किए तो जो ग्रीन हाउस गैस का लेवल है अर्थ एटमोस्फेयर में काफी ज्यादा बढ़ गया आपके प्री इंडस्ट्रियल लेवल से इस वजह से क्या हो गई आपकी ग्लोबल वार्मिंग तो सिंस द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड ह्यूमन एक्टिविटीज आर एस्टिमेटेड टू हैव इंक्रीज अर्थ का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर कितना बाय वन डिग्री सेल्सियस ठीक है प्री इंडस्ट्रियल से हम इंडस्ट्रियल पीरियड में आए तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज मैंने आपको अभी कही उनसे क्या हुआ आपका जो ओवरऑल टेम्परेचर है ग्लोबल टेम्परेचर वो वन डिग्री सेल्सियस बढ़ गया या वन पॉइंट एट डिग्री अगर आप उसको फेर हीट में लेना चाहो तो टेम्परेचर मेजर करने के अलग अलग ये होते हैं सेल्सियस में आप मेजर करते हो फेरिन में करते हो कैलविन वगैरह में करते हो ठीक है तो वैसे ही वन डिग्री तो वहां पर देख लेना अगर ऑप्शन में कहीं फेरन ना लिखा हो फेरिन के अकॉर्डिंग वन है एंड सेल्सियस के अकॉर्डिंग वन डिग्री ठीक है अ नंबर जो अभी भी इंक्रीज हो रहा है बाय मोर देन जीरो पॉइंट डिग्री सेल्शियस पर डिकेड तो हर डिकेड में ये इतना डिग्री जीरो पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस या जीरो पॉइंट थ्री सिक्स डिग्री फेरन जो है वो बढ़ रहा है फाइन अब जो हमें इंटरनेशनल कन्वेंशंस पढ़नी है क्लाइमेट चेंज में उसमें हमें यही सारा डेटा भी और देखना है किस कन्वेंशन में ये बात बोली गई थी कि हमें कितना लेवल रखना है ठीक है तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर क्लाइमेट चेंज में आपको कन्वेंशन नहीं पूछेंगे तो आई डोंट थिंक वो क्या पूछेंगे फिर क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है कॉजेज एंड इम्पैक्ट वगैरह ये सारा पूछना आपकी अंडरस्टैंडिंग बताता है या जेनरिक चीज़ है जो आप वैसे भी सॉल्व कर पाते हो मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग का सारा कॉन्सेप्ट बताया अब अगर कोई क्वेश्चन आता है इसके कॉजेज एंड इम्पैक्ट को लेके तो वो आप सॉल्व कर पाओगे कंसेप्ट के बेसिस पे लेकिन जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आपको फैक्ट्स याद करने होंगे और वो काफी इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज को लेके तो कॉजेज में देख लो मैन मेड कॉजे ग्लोबल वार्मिंग के डिफॉरेस्टेशन मैंने कहा ओवर पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया आपका डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं अब जो देखो ये पेड़ है ये क्या करता है ये सीओ टू इनहेल करता है एंड ओ टू एक्सेल करता है ये यहाँ पे इंसान है ये क्या करेगा ये ओ टू इनहेल करेगा एंड सीओ टू करेगा तो एक बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो ये जो ट्रीज है प्लांट्स वगैरह इनमें बहुत ज्यादा सीओ टू ट्रैप होता है मतलब ये सीओ टू को अपने अंदर जो है वो स्टोर करके रखते हैं तो इनको स्टोरेज भी बोलते हैं कार्बन का ठीक है इनको इसको कार्बन सिंक ये एड कर एक्ट करते हैं एस कार्बन सिंक्स तो सारा कार्बन इनमें होता है जब आप इनको जलाते हो या आप इनको काट देते हो वो कार्बन जो है वो कहाँ जाएगा वो एटमोसफियर में रिलीज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस है जितना ज्यादा ये एटमोसफियर में रिलीज होगा उतना ज्यादा ये वो हीट बजट को ये करेगा अनबैलेंस करेगा एंड हीट उतनी ट्रैप करेगा उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी व्हीकल्स उनमें क्या होता है कंबशन वगैरह फ्यूल जो बर्न होते हैं वहां से क्या रिलीज होता है आपका यही गैसेज स्मोक रिलीज होता है आपके ग्रीन हाउस गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने बोला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी एग्रीकल्चर कुछ एक्टिविटीज ऐसे होती हैं जिससे आपका मीथेन वगैरह ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो जाता है ओवर पॉपुलेशन ये भी मैंने आपको बोला कैसे रिलेटेड है कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं जैसे बॉल्किनोज वगैरह कहीं अगर हो जाते हैं तो वहां पे काफ़ी हाई क्वांटिटी में ऐसे गैसेज रिलीज हो जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस ठीक है जो आपके एटमोसफियर के लिए अच्छे नहीं होते हैं वॉटर वेपर जो है इसको भी काफी अबर्डेंस में पाया जाता है एटमोसफियर में एंड ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है देखो मेल्टिंग फ्रॉस्ट क्या होता है परमाफ्रॉस्ट बेसिकली क्या होता है ये मान लो आपका इसको ग्राउंडेड आइस भी बोलते हैं ठीक है ये बेसिकली क्या होता है आपके जो सैंड होती है रॉक एंड क्ले अगर ये चीजें होंगी और इफ दे आर हेल्ड टुगेदर बाय आइस तो कैसा फ्रोजन ग्राउंड हो जाएगा ना सामने एक फ्रोजन ग्राउंड सा बन जाएगा जरूरी नहीं वो बर्फ में कवर्ड हो बस ये चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं

जब धुआं लग जब आग लग जाती है जंगलों में तो काफी ज्यादा धुआं निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से भी काफी ज्यादा रिलीज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है फिर इफेक्ट क्या हो जाते हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग के टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपने देखा कश्मीर की एग्जाम्पल ले लो थ्रेड टू द इको जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितना जरूरी है प्लांट्स के लिए आपके कोरल रीफ्स के लिए लोगों के लिए तो वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी तो उससे आपका क्या हो जाएगा इकोसिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा क्लाइमेट चेंज हम आगे देखना है क्लाइमेट चेंज जो है इसका ही एक इफेक्ट है स्प्रेड ऑफ डिजीजेस अब क्या होगा जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है हीट ज्यादा बढ़ गई तो ये मस्कीटोज वगैरह इनकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है और जब इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो साथ में ये क्या लेके आएंगी नई नई डिजीजेस तो मोर्टिलिटी रेट भी इंक्रीज हो जाएंगी आप सुनते होगे न्यूज में कभी हीट वेव चली है उससे इतने लोग मर गए तो डेथ रेट्स भी बढ़ गई लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट हो गया जिसको ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जिस जानवर को रहने की आदत थी वहाँ पे आज फोर्टी डिग्री सेल्सियस अगर हो जाए तो क्या वो वहाँ सरवाइव कर पाएगा फोर्टी तो चलो दूर की बात है ट्वेंटी फाइव डिग्री रहने लगे तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा वो हैबिटेट में रहना और दो वो उसका नेचुरल हैबिटेट था तो वो वहां से क्या करेगा माइग्रेट करेगा अब जहां पे उसने माइग्रेट किया वहां के जो लोग वहाँ के जो स्पीशीज हैं उनके लिए वो इन्वेजिव स्पीशीज बन गई मतलब वो लोग भी इस वाले जानवर के साथ सही से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा एक तो वो माइग्रेट कर रहा है उसका हैबिटेट खत्म हो रहा है और जहां पे वो माइग्रेट करके जा रहा है वो जो वहां की स्पीशीज है उनके हैबिटेट पर भी असर पड़ रहा है तो ये सारा साइकिल में चलता है तो ये इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के ठीक है, है तो इफेक्ट एंड कॉजेज वगैरह ये अगर इसका क्वेश्चन आया वो आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए समझना और याद करना जरूरी है तो टिल द टाइम है आप लोग न्यू वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बाय